देखें इस तरह वहां पे इंडिया में एक पेपर के वो ले लेते हैं प्लेट, वहां जो ये सब होता है पाव, और मुझे कीमत नहीं पता है कि कितनी है। इसमें तो थोड़ा सा वो चाट मसाला छिड़कते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए, ताकि ऊपर भी टेस्ट आए। थोड़ा सा केचप या इमली की चटनी जो भी हो, मियो भी करते हैं, ठीक है, ये हो गया, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी, ठीक है। ये सब करके देखेंगे, ग्रीन चटनी उनकी पिसी भी होती, मैंने ये देखिए डाल के, और इसके ऊपर मियो करके ज़रा खूबसूरत कर देते हैं। तो ये है इंडियन स्टाइल का, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर ये सारा आ गया है, मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। वेरी यम्मी, आप भी बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम नाज़रीन, जब मैंने शामी कबाब बनाए थे तो मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी और भी आपके रेसिपीज बताऊंगी, बस रोज़ाना कोई ना कोई नई रेसिपी बन जाती है तो फिर वो रह ही जाते थे। तो आज मैंने सुबह बहुत सुबह नाश्ता कर लिया था, तो इस वक्त मुझे लग रही थी भूख, तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं, और फिर रात को एक शादी में जाना था तो खाना वहाँ लेट मिलेगा, तो मैंने कहा इस वक्त कोई मंचिंग कर लेते हैं थोड़ी सी हम। तो ये मैंने 3 कबाब तले हैं। ऐसा होता है बाज़ोक़त मेहमान आते हैं, कबाब वबाब बच जाते हैं, तो उसके लिए भी रेसिपी बहुत अच्छी है। ये सुबह मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, वो बची हुई है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज डाली हुई है। अच्छा, ये मेरे पास बेसन है 1 कप के करीब है, और ये मैंने धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, कुटी मिर्च और हल्दी, इसको मोटा मोटा ज़रा दर दरा लूँगी मशीन में, ये इसमें डालेंगे, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ज़रा गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं ये मसाले दर दरा के ले आऊँ, ये देखें ये दर दरा कूट के मैं ले आई हूँ, ये डाल दिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून में भर के कॉर्नफ्लावर डालूंगा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया। अभी 1/2 टीस्पून नमक, और इनको पानी डाल के मिक्स करते हैं, गाढ़ा बनेगा ये। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके थिक बैटर बनाएंगे। एक कप बेसन में तकरीबन 1/2 कप के करीब अभी तक पानी गया है। इसको खूब अच्छी तरह से फेंटते हैं। मैं इसमें सोडा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सोडा डालने से ये तेल बहुत चूसता है, फिर वो बहुत तेल पी जाता है ये बैटर, अगर हम सोडा डालें। ये देखिए बस इस तरह मुझे चाहिए, ना बहुत थे ना बहुत ज़्यादा थिक, ये बैटर हो गया है तैयार। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च डाली थी, इसमें ये 3 कबाब मैं तोड़ के डाल रही हूँ, ठीक है। इंडिया के स्ट्रीट फूड है, वहाँ शामी कबाब नहीं डालते हैं, बिकॉज वो लोग वो नहीं खाते। हालांकि ये चिकन के शामी कबाब हैं, ये वो लोग वो नहीं खाते हैं, बीफ नहीं खाते हैं ना, तो उनके लिए सेक्रेट है, तो इस वजह से वो सिर्फ आलू का बनाते हैं। लेकिन ये मेरे भी बीफ के नहीं है, मेरे भी चिकन के ही हैं, तो इतना मसला नहीं है। अच्छा, आलू में और उसमें अगर आपके पास आलू इस तरह के बने हुए ना हो, तो आप बॉयल आलू डाल दें, उसके साथ उसका नमक वगैरह बढ़ा दें। तो ये देखें, ये आलू के ये हो गया, सबको मिक्स कर लिया अच्छी तरह, और नीचे से अभी हमारा समझे 1 बड़ा आलू मैंने इसमें डाला है 3 कबाब में। ये तकरीबन 6 मतलब पीसेस बन के, 2-3 बन के 2-2 पीसेस करेंगे, उसमें आराम से लग जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए जी, ये देखिए बन को हमने 1/2 कर लिया है। अब इसमें अच्छी तरह इसको जमा के, बहुत मजे के बनते हैं, आप लोग रमजान में बनाइएगा,
नहीं मजे के बनते हैं, कभी कबाब बच गए, 3 कबाब के अंदर अगर आपके 6 बन रहे, ये ऐसा नहीं कि एक आदमी पूरे ही खा लेगा, जरा हैवी हो जाता है, तो आधा आधा टुकड़ा कर लें कि मजे की चीज बन गई और डिफरेंट भी हो गई। तो आप सिर्फ आलू से बनाना चाहें, अगर आप गोश्त नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं, पूरा मसाला वगैरह इसी तरह डाल के, नमक कुटी मिर्च हल्दी वगैरह डाल के, ये देखें इसके ऊपर कस के चिपका दिया, इसी तरह ये सारा कर लेंगे। ठीक है, ये सारा करके इस पे चिपका दिया, ये समझे जो बची हुई चीजें हैं आदमी उससे बड़ी अच्छी चीज बना सकता है। ठीक है, तो अब ये हो गया, अब मैं ये एक दफा बेसन को और फेंट के, ये देखिए इसको हमने बेसन में डिप किया और ये साइड नीचे, अभी इसमें दो ही जा सकते हैं, मैं आगे आपको डिप करके दिखाती हूँ। देखिए पहले इसको हम इस साइड से करेंगे और फिर इसको टर्न कर देंगे, हल्की आंच से कीजिएगा, चारों तरफ से बेसन से कवर हो जाए। ठीक है, जब ये हो गया कवर, अब ये देखिए इसको हमने इस रुख से, ये जो जिसपे मसाला लगा हुआ है इस रुख से अंदर डाल दिया, ये देखिए। ठीक है, एक बार मसाला पक्का हो जाएगा उसके बाद फिर आराम से टर्न करते रहेंगे, मसला नहीं। अगर आपके पास मतलब ब्रेड नहीं, वो नहीं है डबल रोटी बंस नहीं है, तो आप सेम चीज डबल रोटी में भी बना सकते हैं। देखें डबल रोटी में हम क्या करेंगे, इसका सैंडविच बना देंगे, क्योंकि बन तो जरा अंदर से सॉफ्ट होता है ना, हम दबाते हैं तो ये बन के अंदर डिप हो जाता है, मतलब इसके अंदर चला जाता है मसाला, लेकिन ब्रेड में इस तरह नहीं होता। तो ब्रेड में हमने जरा थिक लेयर लगाई है और इसको हम इस तरह कर देंगे, उसका इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे ताकि ये आराम से फ्राई हो जाए। ये देखें ये भून चुके हैं, तो हम इनको निकाल लेते हैं क्योंकि हल्की सी लेयर ही लगानी थी, अगर उसका कलर थोड़ा डार्क हो गया स्लाइस के चक्कर में लग गई, चले कोई नहीं, तो भी बचत हो गई। देखें इसको पूरा डिप करके ना अच्छी तरह चारों तरफ से, ये ताकि कहीं से फिलिंग निकले ना, बहुत मजे का बनता है ये, रमजान में जरूर बनाइएगा आप लोग, आपको बहुत मजा आएगा। ये देखें आप 3 कबाब और थोड़े से आलू से कितने जबरदस्त स्नैक्स बन के तैयार हुए, ऐसे आप 3 कबाब किसी के सामने रख ही नहीं सकते, लेकिन अगर थोड़ी सी आदमी अपना सलीका इस्तेमाल कर ले तो काफी सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। और देखें ये कितना अच्छा हो गया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने से में कितना प्लेट भर के बना है। ये देखें जी, ये बन और ये इंडिया के स्ट्रीट फूड है, शामी कबाब और आलू के साथ हमने बनाया है। ठीक है, अब वहां कैसे सर्व होता है मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रेड में भी बना के दिखा दिया। अब आप ये देखें ये 4 बन इतने बड़े, एक आदमी मतलब जो नॉर्मल खाने वाला है वो एक ही खाएगा, और 4 ये, मतलब कितना सारा ये हो गया है कि आप देख सकते हैं 3 कबाब में और थोड़े से आलू में। तो मैं आपको ये कट करके बताती हूँ ये कैसे सर्व होता है, ये दिखाती हूँ।